सो हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक आज नया ट्रिक लेकर के आया हूं। तो सो आप देख सकते हैं कि कैसे डिज़ाइन और कैसा लुक मेरा डिस्प्ले का दिख रहा है, और आप भी अपने मोबाइल में ऐसे लुक और ऐसे डिज़ाइन को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी सेटिंग, कोई भी अदर ऐप्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपके सेटिंग में है। तो चलिए देखिए, आपका डिस्प्ले का लुक ऐसा दिखेगा, कोई भी देखेगा तो इस तरह का लुक दिखेगा, जो बेहद ही इमेजिंग ट्रिक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये सेटिंग आपको कहाँ से ऑन करना है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं हूं आपके साथ कन्हैया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं अपने सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में चला जाता हूं, और सेटिंग में जाने के बाद यहां से हम एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए इसमें एडिशनल सेटिंग का, जो ये देख रहे हैं एडिशनल सेटिंग है। तो हम यहाँ से इसे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद जो ये लुक और जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये किस टाइप का डिज़ाइन है, आप भी अपने मोबाइल में ऐसे ही डिज़ाइन को कर सकते हैं। और मैं आपको कोई भी अदर ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहूँगा। तो आप यहाँ से एडिशनल सेटिंग को ऑन कर लीजिए। और जो प्लस पॉइंट है, इसमें और भी एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जो वो भी बहुत ही शानदार का ट्रिक है। तो चलिए पहले मैं आपको इस सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो हम एडिशनल सेटिंग को यहाँ से ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है डेवलपर ऑप्शंस का, तो हम इसको भी यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करते हुए देखिए, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे एक ऑप्शन है से लेआउट बॉन्ड्स। देखिए से लेआउट बॉन्ड यहाँ पे लिखा हुआ, और ये मेरा इनेबल है। अगर हम यहाँ इसे ऑफ कर देंगे तो देखिए, ये मोबाइल जो मेरा प्लेन हो गया, जैसे आपका मोबाइल है। लेकिन जब जैसे हम इसे यहाँ से इनेबल कर देंगे शो लेआउट बॉन्ड्स को, देखिए ये हमारा डिस्प्ले इस टाइप का हो गया। चलिए हम आपको और भी कोई ओपन करके कुछ दिखा देते हैं। कुछ भी हम ओपन कर रहे हैं तो मेरा मोबाइल का जो सेटिंग है इसी टाइप का रहेगा। जैसे जैसे मैंने गूगल प्ले खोला, तो जो डिस्प्ले का लुक है एक अलग अंदाज में एक अलग शो करता है। तो इस तरह से आप यहाँ से सेटिंग में जा करके इसे इनेबल कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था, एक और ट्रिक बताऊंगा जो बेहद ही शानदार का ट्रिक है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक ऑप्शन शो कर रहा है इसके ऊपर में, देखिए शो सरफेस अपडेट। जब हम इसे यहाँ से इनेबल कर देंगे तो देखिए ये कैसा लुक है। हम मोबाइल को जितनी बार टच करेंगे, आप चाहे तो केवल शो सरफेस अपडेट को भी ऑन रख सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं, पहले इसे शो लेआउट बॉन्ड्स को बंद कर देते हैं। अब देखिए, मैंने मोबाइल को जितनी बार टच करेंगे ये उतनी बार डिस्प्ले जलेगा। सो पूरा अमेजिंग ट्रिक है ये। देखिए, जितनी बार मैंने इसे टच करूँगा ये उतनी बार ये लाइट जलेगा। इस तरह से आप किसी के पास भी बैठ के मोबाइल चलाएंगे तो वो भी देखेगा कि मोबाइल में क्या सिस्टम कर दिया है, जो इतना अमेजिंग दिख रहा है। और आपको इसके लिए कोई अदर ऐप्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपके मोबाइल के सेटिंग में दिया हुआ है। सो आप भी इस ट्रिक को यूज कर अपने मोबाइल को स्मार्ट बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो छोटी सी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही यूजफुल ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।